बीदर जिले के बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र में आज एक मराठा लाख मराठा के नेतृत्व में जिले भर में बड़े नेताओं ने आकर बसवा कल्याण उपचुनाव में मद्देनजर चर्चा करते हुए समाज के एक दिग्गज लीडर पद्माकर पाटिल जी आज के जो बसवा कल्याण उपचुनाव के लिए जो मराठा समाज ने एक मराठा लाख मराठा के नेतृत्व में आज बसवा कल्याण विधानसभा के क्षेत्र में जो आता है क्षेत्र उस समाज ने आज बसवा कल्याण में मीटिंग बुलाया गया था उसके ऊपर जो चर्चा और जो क्या हुई उनके साथ में हमारे साथ में आज पद्माकर पाटिल जी है उनके साथ में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से सकल मराठा की तरफ से मीटिंग बुलाया गया था बसवा कल्याण में पूरे बीदर जिले के सभी मराठा बांधव इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी आज यहां पर कलेक्ट हो गए थे। मीटिंग चल रही थी, लोग जोश में थे। इतने समय में एक हाथ दो लोगों ने अपने विचार प्रकट किया, उतने में सांसद जी आए। लोगों में एक बड़ा आक्रोश था पहले से ही, वो आक्रोश उनके मन का बाहर आ गया और एक मैं खेद व्यक्त करता हूं उसके लिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं, वो मेरे सांसद भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा होना नहीं था। वो पता नहीं वो अचानक किस तरह से आए, मुझे भी मालूम नहीं, हमको भी कोई इंटीमेशन वो नहीं करे। अचानक कैंडिडेट को लेकर आने से लोगों में रोष बढ़ गया और जो घटना हुई है आपके सामने। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए 20-25 साल गुजर गए हैं, समाज में मैंने अपनी बाजू रखी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बंधा हुआ हूं, मेरे विचार 20-25 साल से मैं उस पार्टी में सेवा करता हूं और मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और जो समाज इतने सालों से वंचित है, नेताओं से भी ज्यादा समाज को निर्णय करना है। अगर समाज कोई निर्णय करता है बसवा कल्याण में, वो निर्णय पूरे समाज ले सकता है, इसमें हमारी कोई दुविधा नहीं है। और यही बात हुई कल राज्य के राज्य अध्यक्ष माननीय नलिन कुमार कटील जी आ रहे हैं, शायद वो उचित समझे तो हम सभी मराठाओं के भारतीय जनता पार्टी में अपने जो समय बिताया है जो कार्य करते हुए कार्यकर्ता उनको शायद वो बुलाएंगे, ऐसी आशा है, भावना है। और हमारी भावना हम उनको सामने रखेंगे क्या हो रहा है पूरे तालुके में, क्या गुटबाजी, कौन सी राजनीति, किनके वजह से पार्टी खराब हो रही है और इस पार्टी को किस तरह से दुरुस्त करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट है समाज का इतने दिनों से, चाहे कैंडिडेट मिले या ना मिले, छोटे छोटे समाज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ, बड़े बड़े समाज भी इतने दिनों से आम पे पट्टी बांधकर उनके साथ में है। पशुकर में अचानक ये दुविधाएं तैयार हो गई है कि लोग हमसे थोड़े नाराज क्यों हो रहे हैं, इसका कारण माननीय राज्य अध्यक्ष को हम कल बताएंगे पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से। और मेरी प्रार्थना है कि वरिष्ठ नेताओं को कि इसमें कंफ्यूजन ना बढ़ाए, इतना कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि क्या करना है। अभी बसवा कल्याण के नेता और मतदार दोनों भी स्पष्ट नहीं हुए। जब तक वरिष्ठ नेता पार्टी के आकर यहां पर बैठकर सभी लोगों को विश्वास में नहीं लेते, बड़ा कठिन कार्य होगा हमके लिए फाइट करना। यहां पर हमारी शुभकामना है, हम लोग साथ में जुड़े हैं, हमारा दर्द हमारे पार्टी के साथ में, हमको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है हमको, और हमारा कोई शिकवे गिले शिकवे पार्टी के साथ नहीं है और सदा हम पार्टी के साथ रहेंगे। हमारी पहले से हमारा स्टैंड रहा, हमारे ऊपर टिकट मिले या ना मिले हम पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसी भावना हमारी है। और हमारा समाज क्या निर्णय करता है
वो उनको छोड़ा हुआ है, इसमें हमारी कोई वैयक्तिक राय वो नहीं ले रहे हैं। हमने वह समाज की मीटिंग में बड़े स्पष्ट रूप से कहे कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे विचार किसी व्यक्ति के साथ किसी और पार्टी के साथ हम नहीं करेंगे। तो सब लोगों ने हमारी बात सुनी, वो निर्णय ले चुके हैं और हम निर्णय है कि हम हमारी पार्टी के साथ में रहे।